हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज पर। मैं हूं कुमार विनय और इस वीडियो में मैं आपसे महासागरीय जल संचलन के बारे में बात करूंगा। हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने पहले जाना कि भूगोल एक विषय के रूप में क्या महत्व रखता है और किस प्रकार से भूगोल को क्रमबद्ध तरीके या प्रादेशिक आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा स्थल मंडल के बारे में, हम लोगों ने स्थल मंडल पर होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में जाना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना, उसके अलावा जो हमारे लैंडफॉर्म का निर्माण हुआ है पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से होता है, अंतर्जात बहिर्जात बल क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। उसके बाद में हम लोग मूव किए वायुमंडल यानी कि क्लाइमेटोलॉजी में पहुंचे, एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन किया, सौर विकिरण क्या होता है, किस प्रकार से बादल बनते हैं, किस प्रकार से वर्षा होती है, विश्व के जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण कोपेन ने किस प्रकार से किया है, उन सब के बारे में समझा था। पिछले अध्याय से यानी कि अध्याय 13 से हम लोगों ने प्रवेश किया था समुद्र विज्ञान में यानी कि ओशियनोग्राफी में, या हम कह सकते हैं कि जलमंडल में हम लोग पहुंच चुके थे। तो पहले अध्याय में हम लोगों ने जाना कि महासागरीय नितल उच्चावच क्या होते हैं, जल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि तापमान और लवणता जो होती है वो किस प्रकार से समुद्र के जल में वैरी करती है या किस प्रकार से उनका वितरण है समुद्री जल में। ठीक है, आज यह टॉपिक जो है यह महासागरीय जल संचलन से रिलेटेड है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि महासागरों के जल में जो संचलन होता है या जिस प्रकार से उनमें गति होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि महासागरीय तरंगों और महासागरीय जल धाराओं के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे का बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके अलावा वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अध्याय। अध्याय 14 में हमें बात करनी है महासागरीय जल संचलन के बारे में। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व, खारापन का मतलब क्या होता है, लवणता, तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता लेकिन तरंगों के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या मतलब होता है तरंगे और धाराओं में। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में दो बार ऊपर उठते तथा नीचे गिरते हैं। अधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। अब बात करते हैं तो आखिर में तरंगे होती क्या हैं। तरंगे वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल के कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थित जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। वैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम होती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है, तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं बड़ी होती जाती हैं तथा वायु के ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगे वायु के जल को विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब दो नाट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती हैं तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है, जब तक इनके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं बन जाते। तट के पास पहुंचने टूटने तक सफेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। तो आइए मैं आपको पहले बताता हूं कि तरंगों और जो हमारी महासागरीय धाराएं होती हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए प्रारंभ में क्या होता है, मान लीजिए कोई सागर तल है तो ये इस तरह से स्थिर रहती है। ठीक है, जब हवाएं चलती हैं तेज हवाओं के प्रभाव में सागरीय जल आता है तो धीरे धीरे ये हवाएं जो इसका ऊपरी सतह है ये गति करने लगता है। ठीक है, कभी कभी जब इनकी गति इतनी ज्यादा हो जाती है या इस प्रकार से इनमें वायु के द्वारा बल आरोपित किया जाता है उस स्थिति में ये इस तरह से वेव फॉर्म में क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है,
इस तरह से वेव फॉर्म में चलने लगती हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी सागरीय लहरें होती हैं वो वेव फॉर्म के अंदर इस तरह से गति करने लगती हैं। हालांकि इस गति में जो जल होता है वो यहाँ से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करता है। जनरली क्या होता है कि जो हमारी तरंगे होती हैं वो एक प्रकार की ऊर्जा होती हैं, जो ऊर्जा हमारे जलों को वायु के द्वारा प्राप्त होती है। तो बेसिकली ये ऊर्जा हमारे जल के अंदर मूव करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मीन्स जो जल यहाँ का है वो यहीं पर रहता है, उसके अलावा जो इसमें एनर्जी प्रवाहित हो रही है उसके मूव होने के कारण में इस प्रकार की हमें क्रियाविधि देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया तरंग के बाद। तरंग में क्या होता है, जो जल के कण होते हैं आप लोगों को एनिमेशन में आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है, या मेरे वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि यहाँ जो जल का कण होता है वो इस तरह से सर्कल के रूप में यानी कि वृत्ताकार पथ में गति करता है। ठीक है, और फाइनली जाकर जब तटों पर ये जाकर टकराती है ये लहरें, तो वहां पर ये धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर कभी समुद्र को पास से देखा होगा तो वहां पर उठने वाली तरंगों को भी ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, बात करते हैं धाराओं की। तो धाराओं के पीछे का रीजन यही होता है कि जैसे सैलिनिटी में डिफरेंस हुआ तो वहां पर घनत्व कम हो जाएगा, तो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ जल का प्रवाह होना, या हवा से हल्की गति के कारण जल के ऊपरी सतह का प्रवाह होना, इसे हम लोग कहते हैं धाराएं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धाराएं और तरंग में क्या होता है। पहले तो यही ध्यान रखिएगा कि तरंगे जो होती हैं उसमें जल जो होता है महासागरों का, वह वास्तविक रूप से गति नहीं करता है, बल्कि तरंगे एक प्रकार की ऊर्जा है जो वायु से प्राप्त होती हैं और जल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं, जिससे जल में तरंगे जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और इस तरह से हमें वलयकार मोशन दिखाई पड़ता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती हैं। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है। यहां पर आप लोगों को तरंगों की क्रियाविधि दिखाई गई होगी। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि तरंगे किस प्रकार से, देखिए ये हमारी हुई प्रारंभिक तरंग, ये हमारी, सॉरी एक मिनट, ये हमारी हुई प्रारंभिक तरंग। ठीक है, और कुछ देर बाद जब देखेंगे तो ये इस तरह से आगे बढ़ गई है। ठीक है, देख रहे होंगे इस तरह से, इसमें जो ऊपर का भाग होता है इसे हम लोग शीर्ष पतन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसके बीच में मोशन होता रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तरंगे गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखर को नीचे की ओर खींचता है। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर ढकेलता है और नए तरंग नए स्थिति को में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है, यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे और ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे और पीछे की ओर होता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं तरंगों की विशेषताएं क्या होती हैं। तरंग शीर्ष शिखर एवं गर्त, जो हमारा ऊपर का होता है इसे हम लोग शिखर कहते हैं, जो ये बीच का रीजन होता है इसे हम लोग गर्त कहते हैं। तो एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर और गर्त कहा जाता है। फिर बात करते हैं तरंग की ऊंचाई। यह एक तरंग के गर्त के अधस्थल के शिखर से ऊपरी भाग को ऊर्ध्वाधर दूरी है, मीन्स इस रीजन से इस पूरा रीजन जो क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं तरंग की ऊंचाई। तरंग आयाम, यह तरंग ऊंचाई का आधा होता है, मीन्स ये रीजन को हम लोग कहते हैं तरंग की आयाम या एम्पलीट्यूड। तरंग काल वेव पीरियड, तरंग काल एक निश्चित दिन से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है, मीन्स एक पूरी तरंग कितने समय में यहां से लेकर के यहां तक ट्रैवल कर रही है, एक पूरी साइकिल को फॉर्म कर रही है, उसे हम लोग कहते हैं वेव पीरियड यानी कि तरंग काल। तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करें तो यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी होती है, मीन्स अगर हमारे पास ये देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से एक तरंग है, ठीक है, इस तरह से, तो इसके बीच की ये जो दूरी है, दो हमारे जो श्रृंग हैं इनके बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी को इसे हम लोग तरंग गति यानी कि तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। तरंग गति जल के माध्यम में तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं, इसे नॉट में मापा जाता है, यानी कि किस स्पीड में ये तरंगे गति कर रही हैं उसे हम लोग कहते हैं तरंग गति यानी कि वेव स्पीड। फिर बात करते हैं तरंग आवृत्ति की। यह एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। मान लीजिए हमने यहां पर कोई बिंदु ले लिया सागर तल में, यहां पर ले लिया, तो एक सेकंड में कितनी तरंगे यहां से गुजर रही हैं इसी को हम लोग कहते हैं तरंग आवृत्ति। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं ज्वार भाटा।
ज्वारभाटा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये सागर जल में उत्पन्न होने वाली तरंगों पर डिपेंड करता है या इन्हीं से रिलेटेड तथ्य है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियत कालिक उठने या गिरने को ज्वारभाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों, वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर में सर्ज कहा जाता है। महोर में ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है क्योंकि इसमें आवृत्ति, परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण जब हमारे समुद्र तल में जो लहरें ऊपर या नीचे उठती हैं उसी को हम लोग ज्वारभाटा कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वारभाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वारभाटा उत्पन्न होता है जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसके दूसरी तरफ दूसरे के कारण कम होता है तथा अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दोनों बलों के बीच के अंतर है यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों को अपकेंद्रीय करण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और इसीलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के दूसरी तरफ कम होता है क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है, अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है जिनमें ज्वारीय उभार होता है। देखिए, ज्वार भाटा के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। आप लोग जनरल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मैंने अच्छे से आपको बताया है कि ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनकी क्रियाविधि क्या होती है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में कंप्लीट मैंने वहां पर बता रखा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको वो वीडियो मिलेगा और अच्छे से समझने के लिए आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे ब्रैकेट में दिया या हमारे बॉक्स में दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। कनाडा के फंडी खाड़ी के ज्वारभाटा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वारभाटा कनाडा के नवास कोशिया में स्थित फंडी के खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है क्योंकि यह वहां पर दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं लगभग 24 घंटे के समय, अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे के लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृंग के किनारे पहुंचे जो प्रायः वहां होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूले। अगर आप 1 घंटे तक वहां रुकें तो तब आप पाएंगे कि जहां से आपने शुरू किया था वहां पहुंचने से पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। ये हमारा हुआ उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इस रीजन में हमारा हुआ, ये हमारा उत्तरी अमेरिका हुआ। इस रीजन में हमारा हुआ यूएस से ऊपर का भाग जो है ये कनाडा है। तो कनाडा के नीचे यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड का द्वीप है और इसी को हम लोग कहते हैं बीच के रीजन को फंडी की खाड़ी। ठीक है, तो फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। जहां महाद्वीपीय मग्नतट अपेक्षाकृत विस्तृत है वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों में से गुजरता है तब उसे ज्वारीय धारा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, ज्वार की आवृत्ति, दिशा और गति में स्थानिक व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हुआ आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अर्ध ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार, सेमी डायरूनल, यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में दो उच्च एवं दो निम्न ज्वार आते हैं। जो दो लगातार उच्च और निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। ठीक है, फिर हमारा होता है दैनिक ज्वार यानी कि डायरूनल टाइड। इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार होता है। उच्च और निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। फिर बात करते हैं मिश्रित ज्वार यानी कि मिक्स टाइड की। ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं, कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं।
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वारभाटा यानी कि स्प्रिंग टाइड्स। उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं बृहद ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड की। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। इनको बृहद ज्वारभाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में दो बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। फिर बात करते हैं निम्न ज्वार यानी कि नीप टाइड्स की। सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दोगुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वारभाटा के क्रम उसकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है यानी कि अपसौर का टाइम होता है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 4 जुलाई के आसपास ज्वार का क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जलस्तर गिरता है भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच के समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। अब जानते हैं ज्वार भाटाओं के महत्व के बारे में। चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इसकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यह नव संचालकों व मछुआरों और उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नव संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नदमुख के भीतर जहाँ प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिलेस्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ज्वार के चारों ज्वारों के इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस एवं चीन में उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में लगाया जा रहा है। फिर बात करते हैं महासागरीय धाराएं क्या है। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं। वह है पहला हुआ प्राथमिक बल जो बल की गति को आरंभ करता है तथा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वह है नंबर 1 सौर ऊर्जा को जल का गर्म होना, नंबर 2 हुआ वायु, नंबर 3 हुआ गुरुत्वाकर्षण, नंबर 4 हुआ कोरियोलिस बल यानी कि कोरियोलिस फोर्स। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है, यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल के नीचे की तरफ होता है। महासागर की सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु और पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है तथा उसके चारों ओर बहाव के वलय कहा जाता है। इसी कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं और धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त के सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर लौट जाती हैं और ठंडे जल का स्थान लेती हैं। तो जल धाराओं के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जल धाराओं के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं या ओशिनोग्राफी में मैंने जल धाराओं के बारे में डिटेल में वीडियो भी बना रखा है, सभी जल धाराओं के बारे में भी बताया है। बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जल धाराएं जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं वायु पे, यानी कि स्थानीय वायु की जो गति होती है या जो तापमान या घनत्व में
या फिर सैलिनिटी यानी कि लवणता में अंतर होता है, उसी के कारण जल का प्रवाह होता है या महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कोरियोलिस बल का। कोरियोलिस बल में हमने पढ़ा था कि जो हमारी इस तरफ मूव करती है उस दक्षिण की तरफ, यानी कि अपने दक्षिण की तरफ मूव कर जाती है, हवा हो या जल हो, उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में वो अपने बाएं ओर मूव कर जाती है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि जो जल धाराएं चलती हैं वो ज्यादातर वृत्ताकार मार्ग में गति करती हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जल धाराओं के नाम भी दिए गए हैं, आप लोग चाहें तो इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी जल धाराएं हैं, किस प्रकार से उनकी गति होती है और किस प्रकार से पवनों का उनके ऊपर इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और प्रमुख जलधाराओं का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि महासागरीय जलधाराएं किस प्रकार की होती हैं। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा, सरफेस करंट, व गहरी जलधारा यानी कि डीप वाटर करंट में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर एक हुआ ऊपरी जलधारा, यानी कि महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी जलधारा, महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहां गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं के तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर एक, ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। नंबर सेकंड हुआ गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल के क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय में उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। अभी मैं आपको फिगर में समझाऊंगा कि ये जलधाराएं कैसे गति करती हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रमुख महासागरीय जलधाराएं क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कहा जा रहा है कि जो हमारी ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ज्यादातर बहती हैं हमारे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, जबकि गर्म जलधाराएं पूर्वी भागों में बहती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? देखिए, जो जलधाराएं हमारे इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ चलती हैं या दक्षिण की तरफ चलती हैं, ठीक है, जनरली सामान्य तौर पर वह गर्म जलधाराएं होती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? क्योंकि इक्वेटर पर सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है और इस रीजन में जो हमारा जल होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो धाराएं यहां से चलती हैं वो हमेशा गर्म होती हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिम से जो चलती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो हमारी हिमानियां यहाँ से पिघल करके यानी कि ध्रुवों से पिघल करके धीरे धीरे आती हैं वो काफी ठंडी होती हैं, और उनका प्रवाह इसी तरह से महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से होता है। चाहे हम बात करें यहाँ अलास्का की धारा की, कैलिफोर्निया की धारा की बात करें, या फिर हम बात करें कनारी धारा की, या हम बात करें ओयासियो धारा की, ये सब धाराएं देख रहे होंगे कि इस रीजन से आ रही हैं, ठंडे क्षेत्रों के ध्रुवीय रीजन से आ रही हैं और महाद्वीपों के पश्चिम भागों से आने के कारण ये पश्चिम की तरफ ठंडी जलधारा के रूप में विकसित होती हैं। उसी तरह से जो जलधाराएं आप लोग देख रहे होंगे कि विषुवत रेखा से इस तरह से चल रही हैं, वो हमेशा चाहे अगुलहास की धारा हो, चाहे ब्राजील की धारा हो, फॉकलैंड की धारा हो, ये सब हमारी सॉरी फॉकलैंड की धारा हमारी ठंडी जलधारा है, क्योंकि ये पश्चिमी पवनों के साथ हमारे दक्षिणी महासागर से होकर के आती है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि जो जलधाराएं हमारी भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती हैं वो गर्म होंगी, और जो ध्रुवों से आती हैं भूमध्य सागर की तरफ वो ठंडी होगी। इतना जनरल कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, और जो इनका नामकरण किया गया है वो उसके पास के रीजन के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब प्रमुख जलधाराओं के बारे में समझ लेते हैं। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस प्रभाव में अत्यधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं की लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती हैं। मानसूनी प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जल धाराओं को प्रभावित कर
प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस दबाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र में दिखाया गया, जो हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या होता है। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर जो ठंडी जलधाराएं बहती हैं विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़ करके, उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क है, मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण वहाँ एक अलग जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों को ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती हैं, इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रतिचक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिम किनारों पर स्थित हैं, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव के बारे में। यहाँ पर मैंने एक बेसिक डिटेल आपको प्रोवाइड कराई है। अगर आप लोग डिटेल में ओशिनियोग्राफी पूरा समझना चाहते हैं तो उसका सेपरेट प्लेलिस्ट है। ओशिनियोग्राफी के आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड पूरी ओशिनियोग्राफी पर 8 टॉपिक के वीडियो उपलब्ध हैं, जहाँ पर सारी धाराओं के बारे में, उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, उनका क्या यूज है, क्या तापमान है, क्या सैलिनिटी है, इन सब के बारे में डिटेल में समझाया गया है। अगर उसके बाद में भी कोई आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसमें 2 अध्याय और बचे हुए हैं, उनको समाप्त करने के बाद में हम लोग भारत भौतिक पर्यावरण को शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।